हेलो बच्चों, मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है कुछ गड़बड़ है। नाटक के पहले अमू अपनी लाइनें याद कर रही है। बड़ी सी मिस मालती ने छोटी सी अमू से पूछा, लाइनें याद है ना? राधा फुरफुर उड़ गई, तोता भय-भय रो रहा है, राजा ठन ठन ठंडे हो गए, मेज जी आके खाना खा लीजिए, कुछ गड़बड़ है ना? फिर से, राजा फुरफुर उड़ गए, मेज भय-भय रो रही, राधा ठन ठन ठंडी हो गई, तोते जी आके खाना खा लीजिए। अभी भी कुछ गड़बड़ है। मेज फुरफुर उड़ गई, राजा भय-भय रो रहे हैं, तोता ठन ठन ठंडा हो गया, राधा जी आके खाना खा लीजिए। नहीं, अभी भी गड़बड़ है। क्या आप इसको सही कर सकते हो? सोचो और बताओ। अमू, तुम्हारी बारी आ गई, मिस मालती ने पुकारा। अमू मंच पर गई और बोली। क्या बोली? तोता फुरफुर उड़ गया, राधा भय-भय रो रही है, मेज पर खाना ठन ठन ठंडा हो गया, राजा जी आके खाना खा लीजिए। ये तालियां बजने लगी। अम्मू ने सारी लाइनें सही बोली हैं। देखा आप सब लोग ने, अम्मू ने लाइनें सही कर दी। ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। क्या बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? छोटे पे आप सब लोग कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा बोलते ही होंगे। मेरा बेटा है, पता है, वो आत्मा को बोलता है मात्रा। एक बार हॉरर मूवी में कहता है, मम्मा मात्रा आ गई, और फेविकोल को सेमिकोल। तो आप सब क्या क्या गड़बड़ वर्ड्स बोलते हो? अच्छा, मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देती हूँ, देखते हैं कौन कौन बोल पाता है। फटाफट बोलना होगा, कम से कम 5 से 10 बार। चलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब आप भी इसको ट्राई करना और मुझे जरूर बताना। ठीक है बच्चों, तब तक इसको प्रैक्टिस करो। बाय।